गई फिर सुबह फिर सुबह वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ अच्छा नाजिम मार्शल आज बड़ी अच्छी हेल्थी एक्टिविटी रही और काफी गेस्ट से डॉक्टर से कुकिंग और स्किल्स uh, वूमेन से काफ़ी मज़ा आता है तमाम लोगों से मिलने से और एक नॉलेज हमारी अवेयरनेस जनरेट होती है एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है और एक्टिविटी को एक्टिविटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक्टिविटीज़ किस तरह की पसंद करते तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो करें वो ही आप करें नहीं डिपेंड ये कि आपकी एक्टिविटी आपकी जहन को और आपकी बॉडी को फिट रखती है यानी कि आप फ्रेश रहते हैं रूहानी समझ लें आपको एनर्जी मिलती है आपकी रूह को जैसे कुछ लोगों की एक्टिविटी होती है वो मौसी सुन के बड़ा ज़रा महसूस होते हैं लेकिन उससे जहन तो आपका फ़्रेश होता है लेकिन आप अपनी बॉडी को यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को एक्टिव रखें इससे आप काफ़ी बीमारियों से बच सकते हैं ठीक है जी बाहर मुल्क में बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं तो वो कहीं ना कहीं मसरूफ़ होते हैं एक्टिविटीज़ में गेम्स में तो हमने देखा अब वो रुझान हमारे पाकिस्तान में इतना नहीं है बस वो एक एक एज है उसमें आपने स्पोर्ट्स में लेना मैट्रिक के बाद आप कॉलेज गोइंग होंगे अब आपका स्पोर्ट्स एडी एक्टिविटी ख़त्म हो गई अब उसमें सिलेक्टेड स्पोर्ट्स के बच्चे होते हैं बस अदरवाइज़ कोई भी जो है वो बच्चे एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते ये रीज़न क्या है आज बहुत सारे सवालात हैं मेरे साथ बहुत ही सीनियर स्पोर्ट्स मैन है यहाँ पर माशा और बच्चों को भी एक्टिव रखते हैं हमारे साथ राजा मौजूद हैं हैं कैसे है आप आप ठीक हैं? बड़े एक्टिव चल रहे बड़ी नवेफियत आपकी बढ़ गई है बस आपका अल्लाह का शुक्र है और आप याद रखती में बिल्कुल क्योंकि आने वाली जनरेशन को एक्टिव रखना है असल में देखिये काम वही अच्छा होता है जिसको आप खुद मजा लेके करते हाँ हैं आई हाँ। बिलीव के जिस काम में आप खुद आपको इंटरेस्ट होना उस काम का मजा ही अलग होता बिल्कुल है अगर कोई काम अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर मुसलत किया जाए वो काम मजा, मजा नहीं आता सो so, अगर मुझे खुद वैसा आता है और मैं खुद चाहता हूँ कि फ़िटनेस के हवाले से सुबह उठ के आप नमाज के बाद आप देखें आपकी वॉक होनी चाहिए आपकी डिफरेंट एक्सरसाइज़ होनी चाहिए बिकॉज मेरा तो एक तकरीबन थर्टी ईयर्स हो गए इस फील्ड के अंदर और आज अब यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को कर रहा हूँ और इस तरह कराची में बहुत से इवेंट्स आपको तो पता है कि हम लोग कर रहे होते हैं तो बच्चों को एक्टिव करना और हर क्लास का डिफरेंट प्रोग्राम देना यानी स्कूल का क्लास जो प्रोग्राम होगा वो अलग होगा कॉलेज के स्टूडेंट्स का गर्ल्स का अलग होगा सेपरेट होगा ताकि हर एज के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी उस प्रोग्राम को एंजॉय करें उस वो... गेम को मजा लें और मजा लेके देखिए छोटे गेम छोटे बच्चों का कुछ अलग गेम्स होते हैं बड़ों के कुछ अलग गेम्स होते हैं ये सब चीजें हमने देखनी होती है है तो फिट बंदा जो होता है वैसे ही अच्छा लगता है यार हाँ, आप जाएं। अच्छा ये आ, हम वैसे दिखने में कहते हैं ना कि वो फिट है तो बड़ा अच्छा लग रहा है लेकिन जब अपने पे आती है तो हम लोग जहन में उसको वो जैसे पसंद नहीं है या प्रेशर लेके कोई काम करे तो उसकी तरफ रुझान नहीं एक दिन एक्सरसाइज करेंगे दूसरे दिन भूल जाएंगे आप बिल्कुल मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ आपका जितना अच्छा कपड़ा हो जितना महंगे से महंगा कपड़ा हो अगर और जित आपकी जितनी महंगी गाड़ी हो अगर आप उतरने के बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी नहीं है ना वो ड्रेस वो कपड़ा वो गाड़ी वो जीरो है बुजुर्ग कहा करते थे कि अल्लाह ताला से शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको शिकल ऐसी दी कि आप जिस गाड़ी में बैठे हो ना वो गाड़ी आपकी अपनी लगे और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने ये भी कहा कि आप अपने जिसम को अपनी यानी बॉडी को यानी अपने अपने आपकी सुबह एक्साइज नबी पा वसम ने क्या कहा था कि नेज़ाबाजी और स्विमिंग सीखे यानी स्विमिंग के बाद तराकी की वो सीखे उस ज़माने में यही चीज़ें थी तो आपकी पूरी फुल बॉडी की एक्सरसाइज है स्विमिंग जो है फुल बॉडी की एक्सरसाइज है अगर आप स्विमिंग कर लेते हैं लेकिन यहाँ हमारे कराची में हम देखते हैं तो पानी नहीं मिलता पीने को नहीं मिलता <laughs> तो स्विमिंग के लिए डूबने का <laughs> तो दूपने का, का मकसद है बहुत अच्छी एक्सरसाइज है आप आप स्विमर की आप जो कि अगर बॉडी देखते हैं ना तो फुल बॉडी उसकी वी बनी होगी उसके एब्स होंगे उसके सब चीज़ें होंगी मैं ज़्यादा नहीं कहता मैं कहता हूँ यार घर की जो खवाीन है वो घर में बैठे हुए अगर सिर्फ वॉक कर लेना वेट देखिए अभी आप डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे शुगर के ऊपर बात कर रहे थे मेरे पास कितने क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास जिनकी शुगर हाई हो जाती है पी के पायलट्स आते हैं जिनको ग्राउंड कर दिया जाता है कि सर आपकी शुगर बहुत हाई है इसको शोडर से डाउन करें सिर्फ एक्सरसाइज करनी होती है सिर्फ हमें चलना होता है डेफिनेट एक्सरसाइज़ के ऊपर उनको हम वो एक्सरसाइज करवाते हैं उनकी शुगर ऑटोमेटिकली डाउन हो जाती है आप शुगर कर, शुगर बीमारी नहीं है आपको पता है वसीम अक्रम को कब से शुगर है एक अशरफ तारी का नाम अगर सुनाओ तो ग्रैंड मास्टर थे ग्रैंड मास्टर वो कहते हैं यार प्लेयर्स को नहीं होती प्लेयर्स को भी शुगर होती है ये फैमिली वाइज है ये फैमिली है ऐसा नहीं है एक शुगर बीमारी नहीं है ठीक है शुगर जो होता है वो आपकी ब्लड के अंदर होता है आपकी फैमिली वाइज होता है लेकिन उसको कंट्रोल करना ये इंसान के अपने हाथ में मुझे खुद था लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया मेरी जब मुझे डायग्नोज हुई थी मेरी फोर्टी थी Okay. यानी डॉक्टर कह रहे थे कि 15 पे आपकी ऑर्गन्स खत्म होने शुरू हो जाते हैं oh, oh, oh. इस लेवल पे थी मुझे पता नहीं था मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं जूसेस पी रहा हूँ लेकिन क्या है उसको कंट्रोल करी आज मेरी सिक्स है wow, तो कोई मेडिसिन कोई मेडिसिन okay. नहीं है सिर्फ वॉक करना है, करनी है That's good. तो हर इंसान कर सकता है तो बात यह है कि आप अपना अपना जो डेली का रूटीन है उसको चेंज करें करेंट गुड तो आप कोई और कुछ पूछना चाहें तो अच्छा जी मैं ये <laughs> जिस तरह आपने कहा कि एक्सरसाइज तो मैं कहती हूँ खातन घर में अगर अपने काम खुद करना अगर बेहतर समझें तो मैं कहूंगी कि उनको कोई भी ऐसी बीमारी है जैसे आपने कहा ना फिटनेस और कपड़ा पहनना तो मैं कहती हूँ आप घर में झाड़ू बैठ के लगाए पोछा लगाए पहले वाली औरतें खेतों में जाती थी यार उनको ये कोई भी बीमारी नहीं थी अब हमारा खाना जो हम अच्छा एक और चीज़ है आप नवेद इस चीज़ को आप बिल्कुल एडमिट करेंगे या मुझे सर गाइड कर दे खाना खा लिया अच्छा खाया हेल्दी खाया उसको वो उसको एनर्जी में डेवलप नहीं करे यानी कि आपने खा लिया और आप बैठ गए अब मुझे बताएं वो कैसे वो किया बर्न, किया बर्न कैसे हो देखिए जैसे आपने खुद ही पहले से पहले से मैं आपने सवाल करते हुए पूछा खुद ही कह दिया कि यार वो वो काम तमाम घरेलू जो काम जो पहले आप खुद किया करते थे वो अब आप, आप मुलाजमों को दे दिया आपने या आपने वो घर में आया और मासियाँ रख ली जो काम करने वाली हैं आपने ठीक अपने, अपने आप को बहुत सेल्फ पसंद बता, बना दिया <laughs> अच्छा उसमें उसके बाद एक और चीज़ आप देखें आप इस पे एग्री करेंगे कि हमारा कल्चर जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो गया पुराने जमाने के अंदर कोई हम जब छोटे होते थे तो घर पे कोई मेहमान आता था फ्रूट के थैले लेके आता था जब भी आप कोई आता है तो वो क्या लिख के आता है या बर्गर्स कोल्ड ड्रिंक ऐसे ही बल्कि फरमाइश करते हैं। जा जा है? आते हुए फास्ट फूड फ्रूट नहीं ना लाना बिरयानी फ्रूट नहीं लाना भाई आ, ठीक है तो जो अंकल फ्रूट लाते थे वो हमें अच्छे नहीं लगते लेकिन जो केक लाते हैं वो कबाब जी का केक होगा या फ्राउ का होगा तो वो नाम बेक, लेके बेक, वो बताएंगे यार ये लेके आएंगे ऐसे ऐसे ही देखें तो बात क्या होगा कि हमारा सिस्टम ही आउट हो होगा हम दिखावे की नजर हो गए बेकरी आइटम देखिए सबसे चीजें आपका आपका जो सॉफ्ट ड्रिंक है कोल्ड ड्रिंक्स हैं ये सबसे ज्यादा नुकसान है अभी डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए थे शुगर की मेन कॉज जो है ये कोल्ड ड्रिंक आप जो कोल्ड ड्रिंक्स आप लेते हैं आप जूसेस लेते हैं फ्रेश जूसेस लें यार तो ठीक है फ्रूट का इस्तेमाल करें तो मजा ही पुराने जमाने में लोग ये फ्रूट का इस्तेमाल करते थे अब दोबारा से हम कहते हैं ना जब वो किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि जब कोई बीमार हो जाते हैं ना तो सब लोग हॉस्पिटल में जाते हैं उसके लिए फ्रूट लेके जाते हैं खुद बाहर बैठे हुए समोसे खा रहे होते हैं जो बीमार होता है वो हॉस्पिटल में लेटा होता है तो चेंज हो गया भाई तुम पहले खा लो यार थीक, थीक। <laughs> उसके लिए फ्रूट लेके जा रहे, रहे अच्छा, अच्छा आप केएफसी आप कितनी जा रहे हैं, आप कितनी बाहर जाके होटलिंग कर रहे हैं ठीक है ये थोड़ा सा हो गया यार आज हम उस फुला गए उस ब्रांड में गए उस ब्रांड में गए यहाँ पे होटलिंग की आप लोगों को दोबारा से अवेयरनेस होने शुरू किया आपको पता है कि आपने ये सुनी होगी न्यूज के जापान के अंदर ये माइक्रोवेव ओवन को तोड़ दिया जा रहा है खत्म ब्रांड है ये देने हमारे घरों में जो है बड़े फखर से होता है कि जो घर की खातन बात वो ये है कि काम सहल आसान हो गया खाना उस पर गर्म कर दो जिन्होंने बनाया उन्होंने खत्म कर दिया उन्होंने बैंड कर दिया उन्होंने उठा के फेंक दिए कि ये माइक्रोवेव बल्कि वो फ्रिज में इस्तेमाल नहीं करते ठंडा पानी तो देखिए दोबारा वो वो सुराही और उस घड़ों पे आ गए हाय हाय ठीक है हमारा जो कल्चर था हम चले गए उनके पीछे असल में उन्होंने रिसर्च करने के बाद ये रियलाइज किया कि ये अच्छा उधर साइकिल भी बहुत चलाई जाती है आप नोट कीजिएगा लड़कियां हो या लड़के ज्यादा उनकी साइकिलिंग बहुत ज्यादा और वॉकिंग भी मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा साइकिलिंग में आप नहीं देखते कितना ज्यादा साइकिल चलाई जाती है फुल फुल बॉडी की एक्सरसाइज है फुल बॉडी की अगर देखें आपके आ, किसी को अगर फालिच या कोई की प्रॉब्लम हो जाती है तो वो जब जाते हैं तो उनको वो साइकिल रखा जाता है कि थे। थे। आप इसको मूव करें एक्सरसाइज भी आप करते हैं तो आप फ्लोर पे लेट के आपसे कहा जाता है कि आप अपने दोनों पैरों के लोगों को तो कहने का मकसद ये कि फुल बॉडी की एक्सरसाइज है साइकिल तो बहुत अच्छी चीज है लेकिन हम हम फिर अगर आगे की और बात कर लेते हैं कि हम लोगों ने सब चीज़ें छोड़ दी हैं हम बहुत सेल्फ पसंद हो गए हम अपनी लाइफ के अंदर जिंदगी के अंदर हर काम शॉर्टकट करना चाह रहे हैं चाहे वो हमारी खाना है चाहे वो हमारी कहीं पहुंचने का है तो हम वॉक नहीं करना चाहेंगे आप देखें पार्क जो है वो खाली है और जो आपके शॉपिंग सेंटर देखें वो भरे, भरे, भरे हुए आपको नजर आएंगे आएं। फिर हम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है महंगाई कहाँ महंगाई है देखें आप रात को मैं गया हूँ बहुत फिश का कहीं खानी सिविक सेंटर पे जो फिश का बहुत ज्यादा है

उसके फवायद ज्यादा है पता नहीं वो कितनी बार पकावा तेल होगा exactly. जो आपके लिए जहर होगा यानी कि आप फिश अठारह रुपए की लेने के बावजूद भी आप अपने अंदर ओमेगा डालने के बजाय एक Poison add कर, ऐसा ही है है कि कि नहीं exactly. uh, अभी सब यहां बैठे हुए थे कुछ पहले उन्होंने एक चीज कही कि फ्राइस। फ्राइस का बहुत होगा के भी होता है। शाम को जो बच्चे निकलते हैं तो वो मामा भी उनको पैसे देती है बेटा ये लो पैसे जाके फ्राइज लेके आ जाओ उस फ्राइज को कितनी दफा उस ऑयल के अंदर फ्राई किया गया उस ऑयल को चेंज किया जाता है ऑयल काला सा हो जाता है लेकिन वो ऑयल नहीं और हम सब कुछ यानी वो माए जो आते जाते देख रही होती हैं कि इस ऑयल में ये फ्राइज हो, जो फ्राई हो, हो रहे हैं लेकिन क्या है कि वो नहीं और ये सबसे ज्यादा जो है वो बीमारियों की कॉज कोशिश उसके ऊपर जो डलता है वो भी वो भी कोई कैचअप नहीं है वो, वो केमिकल्स तो है सारे तो एग्जैक्टली अगर हम सब कुछ जानते बूझते अगर माए ये चीजें कर रही हैं आपको ये मालूम है क्योंकि मैं स्कूल फील्ड से हूँ और मैं मैं एक चीज बताता चलूँ की अच्छे स्कूल के अंदर जो है ये इस तरह का जो जंक फूड है मना कर दिया गया बच्चों को आप जो उनका जो है लंच बॉक्स चेक किया जाता है कि आप कोई भी बेकरी आइटम नहीं लाएंगे आप होममेड आ, वो चीज़ें आपको अलाउ की जाती हैं तो इसी तरह का कल्चर हमें डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम आने वाली अपनी नस्लों को एक हेल्दी लाइफ दें और उनको जो है वो एक शुरू से उनको बताएं कि बेटा आपने इस तरफ कोल्ड ड्रिंक को, को यूज़ नहीं करना ये बेटा ये नुकसान दे अगर हम घर में ही पेरेंट्स ही ला के कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तो मेरे घर में कोल्ड ड्रिंक यूज़ नहीं होती मैं शादी ब्याह पे भी जाता हूँ इवन फ्री यानी ख़रीद के नहीं फ्री की भी नहीं पीता ऐसे नहीं है कि फ्री की मिलेगी तो मैं चाहे टेबल पर रख लूंगा आपने नहीं आपने नहीं पीनी आप अपने बच्चों को भी गाइड करें कि बेटा ये चीज़ ना पिए इससे अच्छा है कि पानी पिए वो पानी आज आपके लिए बहुत बेहतर है That's... हम, हम लोग देखते हैं कि हम लो कितनी लोगों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोग कहते हैं जहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं वो कहते हैं आप पानी कम पीते हैं आपको पानी ज्यादा पीना है आपके पास भी यहाँ देखें बड़े मैंने नहीं देखा मैंने दो बोतलें खत्म कर चुका हूँ अभी तक यहाँ बैठे हुए पानी पानी, पीना चाहिए बस पानी पिया करें कोशिश करें और मैं आपके देखने वालों को भी ये कहूँगा कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए एक्सरसाइज करें फ्रूट का इस्तेमाल जरूर रखें कम अज कम एक सेब जो है सेब बहुत सस्ता है आजकल आपको मार्केट में बहुत ज्यादा आया हुआ है आप एक सेब ग्यारह से बारह बजे के बीच में दिन के टाइम पे छिलके के साथ उसको उतारिएगा नहीं उसका मतलब जूस नहीं पीना उसको वैसे आप खाएं आप देखिएगा आपकी जिंदगी के अंदर कितनी तब्दीली आएगी एक गिलास दूध का रखें सुबह में एक सेब रखें एक अंडा रखें और रात में थोड़े से ज्यादा नहीं महंगाई बहुत है मैं ज्यादा बच्ची से ऐसी चीजें नहीं कहता कि जो बहुत ज्यादा महंगी हो जिनको अफोर्ड करना मुश्किल हो और वैसे भी कहते हैं एक पोर्शन छोड़ के खाना चाहिए बादाम तीन okay. तीन या बादाम ले, ले, ले नहीं भगवान नहीं वैसे सिंपल एक ले लेना रात को जब आप खाने के बाद बैठे हो टीवी अच्छा, देख रहे हो फैमिली के साथ खाने के हाँ आपने तीन बादाम ले लिए तीन आपने जो है वो आपने अखरोट के दो अखरोट तो हाफ कर ले लेना ले आपने उसका ठीक है स्ता ले लें बादाम ले लें ले, या आप जो चनगोजा करें या काजू होते हैं। ये तीन दिन करके आपके पास नो आइटम आप नो उसके वो हो जाएंगे एक मुट्ठी जिसे कैसे? जी बिल्कुल ये ये जरूर आप जो है ड्राई फ्रूट खाएं, आपकी लाइफ के अंदर आपकी स्किन की शाइनिंग देखिएगा आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत सी चीजें देखेंगे तीन चार चीजें रखें दूध अंडा फ्रूट uh, में आपको मैंने सेब बता दिया दिन में आप दोपहर के खाने में खा लीजिए आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी यानी कि आप अपने अंदर जो है हम लोग दालों का इस्तेमाल करें वेज का इस्तेमाल करें बिल्कुर। और प्रोटीन अंडा इज अ टू मच मैं कहूंगी बहुत अच्छा हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है जबरदस्त आपने जो खानों को इंडिकेशन किया ना अगर हम रूटीन में हम इन चीजों का इस्तेमाल करें तो हमारी अंदर से जो है बॉडी स्ट्रांग अच्छा बात हो रही है एक्सरसाइज की लोगों को बार बार कहते शुगर वालों को जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि चले वॉक करें एक्सरसाइज लाइक like. तो हम उस बीमारी तक पहुँचने से पहले क्यों नहीं एक्सरसाइज करें हम सिर्फ फिट होने के लिए एक्सरसाइज़ क्यों करें हम हेल्थी होने के लिए क्यों नहीं करते ऐसे ही है आ, बात यह है कि हमारी लाइफ में बहुत सी चीज़ें जो है वो शॉर्ट हो चुकी हम आ, हम खुद आ, बहुत खुद कहते हैं खुद सहल हो गए हैं बहुत आसानी की तरफ तलब गार हैं हम चाहते हैं कि हर चीज़ के अंदर हम आसानी से मिल जाए तो हम वो चीज़ें नहीं करते वॉक भी नहीं कर रहे ना एक्सरसाइजेज़ कर रहे हैं अच्छा फिर दूसरी बात ये भी है कि हमारे यहाँ पर कराची की अगर हम बात कर लें तो यहाँ कुछ ऐसे प्लेस नहीं है जहाँ पर स्पेशल जाके वॉक किया जाए जो क्लब्स हैं उनकी मेम्बरशिप बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं 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 लोगों से यही कहता हूँ मैं लोगों से यही कहता हूँ कि आप रोड के किनारे यानी रोड के साइड पे आप वॉक करना शुरू कर दें ज़रूरी नहीं कि मोबाइल उसके बाद आपके पास हो तो मोबाइल आप घर में रखें घड़ी भी उतार के साइड पे रख दें ताकि आपको कोई अंदेशा ना हो किसी कोई चीज़ किसी चीज़ के जाने का आप वॉक करें एक घंटा आप वॉक लंबा चलें यानी एक लंबा चलें फिर वापस आए और फिर आप देखें कि आपका वो रूटीन हो जाएगी कि आप खुद से कहेंगे यार मैंने इस टाइम पे मैंने वॉक करना है और खाने से पहले आप वॉक करें Good. खाली पेट ये नहीं है कि आप पेट भर के करेंगे अच्छा? वो जो खाने के बाद होगा वो चहलकदमी होगी चहलकदमी इज़ डिफरेंट और वॉक इज़ मतलब वो wow. थोड़ा सा अलग है okay. क्योंकि खाली पेट है देखिए पेट भरा होगा आप वॉक नहीं करेंगे आपको थोड़ा सा ना वो अजीब सा फील होगा खाने के बाद जरूर चहलकदमी करें लेकिन थोड़ी सी होगी वो ज़्यादा नहीं होगी जो एक घंटा आप करेंगे वो शाम के टाइम या आप ऐसा टाइम रख लें जो आपको फ्री हो जो भी आपको मिले 24 फोर आवर्स में से आपने वो निकालना है और वो फिर देखें कि आपका जो आपने खाया आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपको भूख भी लगेगी क्योंकि तो अक्सर लोग कहते हैं हमें भूख नहीं लगती अच्छा आपको टाइम पर खाना है जैसे कि आप देखें बहुत से लोग आप अब तो सोशल मीडिया का नहीं खाते ठीक है? हमारी सुनत है हमें कहा गया था लेकिन फॉलो नहीं किया आज जब कोई और कहता है तो हम कहते हैं यार अभिषेक ने कहा था उसने कहा था फलाने ने कहा था, था ऐसा ही है तो हम उन चीजों को ज्यादा फॉलो कर रहे हो आपने कहा था अक्षय कुमार का सूरज गुरु कुछ नहीं खाता अगर मुझे भूख लगे तो वेज का सूप या मैं कोई सूप वगैरह ले, ले लेता लिक्विड टाइप की देखिए मैं कोई वैसी चीज नहीं लेता बड़ी, ये 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 बड़ी जो लोगों को अपनी हेल्थ के साथ बहुत सेंसियर होते हैं ना वो इन चीजों को बड़ी मद्देनजर और खास तौर पे नींद का बताएं कि हमारी हेल्थ पे कितना इफेक्टिव देखिए नींद नींद नहीं होगी ना तो आप बहुत चिड़चिड़ापन हो जाएगा ओके okay. और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी okay. आपके अंदर स्ट्रेस हो जाएगा जैसे ब्लड प्रेशर बहुत सी चीज़ें आपके साथ प्रॉब्लम आ जाएंगी कोशिश करें कि नींद का एक जो आपका टाइम है उसको टाइम को रखें मोबाइल साइड पर रख दें क्योंकि ये मोबाइल देखें इसकी कोई एंड नहीं है ना सोशल मीडिया का ना फेसबुक का ना व्हाट्सअप का इसका रिजल्ट आपको क्या <laughs> मिलेगा ये सोचना चाहिए <laughs> खत्म नहीं होगा रात देखिए एक से एक चीज आ जाएगी एक से एक चीज आएगी पूरी रात और इवन आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे हैं जो रातों को जागते हैं और सुबह में सोते हैं अच्छा उनके देखिए सुबह की नींद जो है वो वैसे भी मजे की नहीं है क्योंकि रात की नींद में हमें कहा गया कि वो मजा जो है वो रात की नींद में रात रखी इसलिए गई है लेकिन हम लोग जब सुबह में सोते हैं तो होता क्या है कि बाहर जो आवाजें आती हैं कभी पापड़ वाले की आवाज़ आ गई कभी रद्दी वाले की आ गई ऐसे ही होता है वो नींद डिस्टर्ब हो जाती है कभी किसी ने बैल बजा दी तो वो उस तरह ना सो सकेगा जब नहीं। सोएगा नहीं उसको वो नींद का अच्छा चीज़ नहीं कर सकेगा तो वो चिड़चिड़ापन हो जाएगा उसकी ज़िंदगी में उसके दिन में वो लोगों से लड़ेगा झगड़ेगा तो ये सब प्रॉब्लम्स को वो फेस करता है नहीं। तो कोशिश करनी चाहिए कि रात के टाइम पर जो अपना टाइम है उस पर आप सोएं अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें वॉक करें एक्सरसाइज करें जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपको ख़ुद ब खुद रात को नींद आएगी आपने एक चीज़ नोट की होगी कि रोड किनारे जो बैठा हुआ मज़दूर होता है जो लेटा हुआ होता है ईंट रख के या वैसे भी वो मज़े से क्या सो रहा होता है उसके पास से गाड़ियां गजरी होती है

हर पर्सन चाहे वो मोटा हो पतला हो जैसा भी हो उसको रेगुलर एक्सरसाइज कौन सी करनी चाहिए देखिए वॉक सबसे बेस्ट है चहलकदमी जिसे कहने उर्दू में ये एक ऐसी चीज है कि जो हर इंसान को चाहे वो मोटा है छोटा है औरत है मर्द है उसको वॉक करना है ठीक अगर, ये है ये एक अलग हो गया बिल्कुल इसके अलावा अगर थोड़ी सी बॉडी देखिए आप उसके अलावा मैं बी ए मुस्लिम ये कहता हूँ कि आप ना को नमाज पढ़नी चाहिए नमाज पूरी पूरी आपकी बॉडी की जो हर चाह आप जब बैठते हैं तो आपके लेग्स की एक्सरसाइज होती है जब आप खड़े होते हैं तो आपकी फुल बॉडी की होती है आप जब सजदे में जाते हैं तो आपका सर जो है वो डाउन होता है हो सर्कुलेशन एग्जैक्टली ये सब चीजें योगा योगा क्या चीज है योगा यही चीज है हमारी नमाज को उठा के उन्होंने ये चीजें बना दी गई वही आसन वही सब चीजें हमने नमाज छोड़ के हम योगा की तरफ जाते हैं लेकिन ये नहीं सोचते कि हम नमाज अगर पढ़ लेंगे तो सब चीज़ें खुद ब खुद उसी में सुकून ही सुकून, है नमाज देखें तो कहते हैं सबसे ज्यादा सुकून आपको नमाज पढ़ते हैं जो आप अल्लाह से, से आप बात करते हैं ना अकेले में सब खुल के कहते हैं तो अल्लाह ताला सुनता है और मेरा भी तो बिलीव इस पर बहुत स्ट्रांगली है कि मुझे मैंने अल्लाह से स् जो चीज़ मांगी अल्लाह ने मुझे वो दी तो हर इंसान के साथ देखिए अल्लाह ताला के लिए कहा गया कि वो सत्तर माओ से ज़्यादा जो है वो आपसे मोहब्बत करता है एक माँ की मोहब्बत कितनी है वो सुबह आपको जाते हुए नाश्ता बना के देगी रात को अगर आप थोड़ी देर हो जाएगी तो दरवाजे पे खड़े होगी फोन करेगी बेटा कहाँ हो तो जो सत्तर माओ की दावा है मोहब्बत कितनी तो ये चीज़ है कि हमें अल्लाह के लिए अल्लाह ने हमें कहा कह दिया कि बेटा ये रास्ता सीधा है ये रास्ता तुम्हारा यहाँ नेकी का है तो हमें देखना है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं यानी कि आपने जब अल्लाह आप से रुजू करना है तो कुरान पढ़े और अल्लाह जब आपसे रुजू करता है तो आप में जाते हैं वो हिसाब है कि समझ की बात है और अल्लाह पाक ने सबसे प्यारी दुआ जो पसंद की वो कहे अल्लाह जिंदगी दे तो सेहत वाली जिंदगी दे दुआओं में भी हम कहते हैं कि अल्लाह जिंदगी दे तो सेहत वाली वरना सब कुछ हमारे पास होता है लेकिन हम कहाँ पर परेशान हो जाते हैं कि पैसा होते हुए भी हम अपना ट्रीटमेंट नहीं करवा सकते वो इस वजह से कि वो हमारी लापरवाही का नतीजा hmm. हमें आखिर में मिल रहा होता है नवैद बहुत ज़बरदस्त आपने आज मेरे साथ hmm. गुफ्तु की और रोशनी डाली हेल्थ के ऊपर नेक्स्ट टाइम ये एक बचान में हम एक्सरसाइज़ का एक सिस्टम भी ऑन करेंगे hmm. जाते जाते नवेद मैं ये कहूँगी कि, कि कोई खास मैसेज अपने नाजरीन को डिटेल में देना चाहें जी जी बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपने मुझे हमेशा याद भी रखती हैं और अच्छा उस पर भी जरा बात कहना चाहूंगी सॉरी टू से वो जो कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं उस पर मुझे बताएं कि क्या आज, आज आपके वो रह गया मेरा सवाल जहन में रह गया एक्टिविटीज कौन सी चल रही है, अच्छा एक्टिविटीज हम लोग शहर कराची के अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटीज कर रहे होते हैं जो जो कि मैंने जैसे पहले कहा कि हर एज ग्रुप की होती है अगर हम स्कूल कॉलेज के डिफरेंट कॉलेज के अंदर स्कूल के अंदर अब हमारा जो अपकमिंग हमारे पास इवेंट है वो हमारा आ, एक मेरी हम, हमारी एसोसिएशन है, में जो है। आ, जी में है स्टूडेंट ओलंपिक के नाम से हमारी एक एसोसिएशन है जिसके अंदर पूरा ये वर्ल्ड ओलंपिक के साथ जो है इनका ए, है रजिस्टर है सिंध ओलंपिक और पाकिस्तान ओलंपिक के साथ तो ये एक रेकनाइज बॉडी है हम लोग इससे पहले सात हम गेम्स कर चुके हैं ये हमारा सीजन एट है इस दफा आप लोग जाके सर्च कर सकते हैं स्टूडेंट ओलंपिक के नाम से आपके सामने सारी वीडियोस सब कुछ इसमें कराची के तमाम बड़े स्कूल तमाम गवर्नमेंट स्कूल जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं कर, स्वेट कर, स्वेट कर, स्वेट कर चुके हैं साथ में और ये आठवां जो है इनशाला सत्रह सितम्बर इस महीने में स्टार्ट होने वाला है तो मैं उसके अंदर जो है वो क्रिकेट देख रहा हूँ हार्ड बॉल मेरे okay. पास यूनिवर्सिटी लेवल है मेरे पास कॉलेज इंटरमीडिएट लेवल है इसके अलावा मेरे पास स्कूल लेवल है okay. स्कूल में हम टेप बॉल छोटे बच्चे होते हैं उनको हम टेप बॉल के साथ गेम करवा रहे हैं वाई के अंदर जिसमें मैं आप लोगों को भी चाहूँगा कि आप लोग भी, भी ज़रूर आएँ उसमें आएँ और हमें बच्चों को देखेंगे कि वो किस तरह की एकज़ कर रहे हैं इसके अलावा हमारे जो इंटरमीडिएट में है हमारा वो है जाम दालूम Okay. रा फाउंडेशन का है बहुत अच्छा ग्राउंड है वहाँ पे हम कर रहे हैं इसके अलावा हम यूनिवर्सिटी के अंदर एक कर wow, रहे हैं। जो wow, wow, सारी कराची की जितनी बड़ी यूनिवर्सिटीज wow, है चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो मेल हो या फीमेल हो ये आज से नहीं जिंदगी के तीस साल दे दिए हैं और अभी भी एक्टिव है जाते जाते ये कैमरा आप मैसेज देना चाहे जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा देखिए आप ज़िंदगी जितनी भी है उसको ज़िंदगी को इंजॉय ज़रूर करें हेल्दी गुजारें एक्टिविटीज़ करें फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपकी होनी चाहिए वॉक ज़रूर करें और हेल्दी खाना खाएं ये ना सोचें कि यार मैंने बस कहते हैं कि वो जो पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि ज़िंदा रहने के लिए खाना है खाने के लिए ज़िंदा नहीं रहना तो आप ऐसा चीज़ खाएं कि जो हेल्दी भी हो और आपको जो है वो सूट भी करें वॉक करें एक्सरसाइज करें हेल्दी रहें खुद भी खुश रहें अपने घर वालों का भी ख्याल रखें अपने आस वालों का ख्याल रखें बाद है। है। बहुत है। <laughs> बहुत है। लोगों को प्रमोट बहुत करते हैं है। है। और इनके साथ और बहुत कुछ हम लोग नया सरप्राइज लेकर में जी प्रोग्राम का वक्त यहाँ होता है खत्म और पता ही नहीं चलता आपके साथ वक्त कैसे गुजरता है अपना बहुत ख्याल रखिएगा मुझे दो में याद रखिएगा फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह फूल खिलने लगे जगमगाए जहाए जहा रात रुख्सत हुई आ गई फिर सुबह